वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्रू थ्रेड, इसी चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हुए अगर हम बात करें, अभी तक हमारी जो ड्राइंग थी जिन्हें हम मेज़र करके बनाते थे वो हो चुकी हैं। अब हमें कुछ फ्री हैंडेड जो ड्राइंग करनी पड़ती हैं उन ड्राइंग को हम देख लेते हैं एक बार। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कहता है हमसे सीधी चूड़ियाँ और सुंडाकार चूड़ियाँ, या फिर इन्हें टेपर थ्रेड भी कहते हैं, मतलब स्ट्रेट थ्रेड एंड टेपर थ्रेड को बनाने के लिए कहता है वो। तो स्ट्रेट थ्रेड और टेपर थ्रेड को बनाने के लिए जो आपसे कहेगा, तो आपको ये डायग्राम जो बनाने हैं ये फ्रीली बना लें, मतलब कोई भी डायमेंशन को आपको मेज़र करके नाप के नहीं बनाना, इसमें ये बेनिफिट है आपका। तो आपको जो डायमेंशन आपको बनानी है, तो इसमें आपको डायमेंशन को किसी भी स्केल में किसी भी वैल्यू को लेके आप बना सकते हैं। बस मेन आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेट थ्रेड कैसे होती है और टेपर थ्रेड क्या होती है। तो स्ट्रेट थ्रेड और टेपर थ्रेड की हमें ड्राइंग करते हैं, वो भी हम फ्री हैंडेड, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू आपको मेज़र करके नहीं बनानी होगी, आप फ्री हैंडेड बना सकते हैं। इसमें जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं थ्रेड के सही एंगल पर झुके हुए हैं, इस एंगल को आप कम या ज़्यादा भी दिखा देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली अगर बात करें चूड़ियाँ बनी होती हैं, वो चूड़ियाँ दो तरह की होनी थी, थ्रेडिंग या फिर स्ट्रेट थ्रेडिंग होती है या फिर टेपर थ्रेडिंग होती है। स्ट्रेट थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर थ्रेडिंग बनी है वो थ्रेडिंग कैसी है, स्ट्रेट है, एक दूसरे के एकदम बिल्कुल कह सकते हैं सब थ्रेड क्या है, समान है। और टेपर थ्रेड में क्या होती है, टेपर थ्रेड में ये सबसे बाहरी वाली जो होती है इसकी सबसे कम लंबाई होती है, बाकी सबकी लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो ये टेपर फॉर्म में होती है, जिसमें हम कह सकते हैं हर एक चूड़ी की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। टेपर थ्रेड और स्ट्रेट थ्रेड का अगर डायग्राम की बात करें, हमें ड्राइंग बनाएंगे इसके, ठीक है। इसका भी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े पैमाने आज के समय में यूज़ होता है, टेपर और स्ट्रेट दोनों थ्रेड का। तो ज़्यादातर जो आपकी यूज़ होती है आपने देखी होगी, स्ट्रेट थ्रेड को तो आपने बहुत ही देखा होगा, लेकिन टेपर थ्रेड भी आज के समय में काफ़ी जगह यूज़ होती है इंडस्ट्री में। कई टूल्स और पार्ट्स बनाने के साथ साथ कई ऑटोमोबाइल ऑटो व्हीकल्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आज स्ट्रेट थ्रेड एंड टेपर थ्रेड का फ्रीली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, विदाउट डायमेंशन। तो इसका आपको अगर डायग्राम एक बार याद हो गया तो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें गलत होने कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको एक बार बना लिया आपने। बनाते हैं हम, सबसे पहले हम इसमें कौन सा बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका स्ट्रेट थ्रेड, ठीक है, फिर हम बनाएंगे टेपर थ्रेड। तो यहाँ बनाते हैं हम स्ट्रेट थ्रेड, स्ट्रेट थ्रेड, जिससे हम ये कह सकते हैं सीधी चूड़ियाँ, ठीक है। स्ट्रेट थ्रेड की अगर हम बात करें, ये क्या है, सीधी चूड़ियाँ कैसे कहेंगे इसे हिंदी में हम, ठीक है, स्ट्रेट थ्रेड या फिर सीधी चूड़ियाँ बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सबसे पहले एक बिल्कुल क्षैतिज लाइन खींचनी है, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, अब आप जो चौड़ाई ले लेंगे, चौड़ाई मान ली हमने ले ली 3, आप अपनी सुविधा अनुसार ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लो हमने 3 ले ली यहाँ पर, ठीक, मतलब इसकी ये वाली बात करें, लेंथ हमने 8 ली है और जो हाइट ली है वो 3 ली है, इधर से भी हाइट कितनी ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं। आपको ड्राफ्टर का यूज़ करके ये बनाना है, इतना याद रखना, बिना ड्राफ्टर के अगर आप बनाएंगे तो गलत ही बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको ड्राफ्टर जब आप यूज़ करते हैं तो ड्राफ्टर का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ बस आप दिए देखिए किस तरह से बन रही है, मिला दिए इस तरह से आपने। अब जो हम यहाँ से लेकर इसे, इस पार्ट को इस तरह से डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, इस वाले पार्ट को हम डायरेक्ट मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इससे हम फ्री हैंडेड मिलाएंगे, फ्री हैंडेड मिला देते हैं, ठीक है। फ्री हैंडेड इसलिए मिला दिया हमने, इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है हमें नहीं पता है, हमने अपने अनुसार निश्चित कर दिया, ठीक है। अब इसके सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर आप बात करें तो जो हमारे शुरू की जो शेप होती है हल्की, ये शेप जो होती है हमारी ये कैसी होती है, हल्के सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इसे हम प्रकार का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट से यहाँ से क्या करना है आपको, हल्का कर्व करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का, ठीक है, इतना सही है। इसके बाद जो टोटल हमने 8 सेंटीमीटर लंबाई ली थी इसकी, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर तक चूड़ी बना देते हैं, ठीक है। कम भी कर सकते हैं हम, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंटीमीटर उससे ऊपर से भी हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अब जो चूड़ी बनानी है, वैसे तो आप चूड़ी फ्री हैंडेड बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम जो चूड़ियाँ बननी है यहाँ पर, वो सभी चूड़ियाँ आपके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हम किसी कोण पर बना देते हैं, अगर आप चाहें तो कोण पर बनाइए, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो फ्री हैंडेड ही बनाते हैं, ठीक है, किसी कोण पर नहीं बनाते हैं। आपको ये वैसे सारी आप नाप के बनाने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा चाहे फ्री हैंडेड बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सेंटर लाइन में आप रफ हो गई, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कह सकते हैं एक तरह से, ये थ्रेड आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपका जो थ्रेडिंग है, देखिए यहाँ पे जो आपके खाने हैं उसके बीच में जो चूड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, थोड़ी उन्होंने क्या करा, मतलब ये है थ्रेडिंग पूरी, लेकिन जो बीच का उन्होंने दिखा दिया क्या कर दिया, थोड़ा डार्क कर दिया, जिससे थोड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, सेडेट कर देते हैं। तो एक कोई डार्क पेंसिल आप यूज़ करना फिर, तो जो खाने के बीच में आप चूड़ियाँ इसी तरह से ड्रॉ कर देनी है आपको। सबकी हाइट बराबर रखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा थ्रेड हो गया आपका, ये हो गया आपका स्ट्रेट थ्रेड। फ्री हैंडेड ही बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाप के नहीं बनाना है एंगल,
इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बस टेपर वाले में आपको टेपर शेप बनानी है बस, ठीक है। जो दिखने में जो सतह होगी वो हल्की कैसी ऊंची है, टेपर ऊंची है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेपर वाला शेप है उसका दो भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए टेपर शेप की अगर बात करें, यहाँ से आपका जो ये वाला भाग होता है ये तो हमारा सीधा रहेगा, और यहाँ से जो होगा यहाँ से टेपर होगा। तो इसकी जो लंबाई है हम इसलिए रख लेते हैं मान लो 3 सेंटीमीटर, और ये रख देते हैं 5, टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तीन, ठीक है, और यहाँ से हाइट ले लेते हैं हम, हाइट भी 3 ही ले लेते हैं, तीन, इससे फ्री हैंडेड मिला देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हल्का टेपर शेप होगा। पहले हम इसके सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर लाइन करीबन कहाँ पर आएगी इसकी, 3 है, 1.5 पे आएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल हाइट कितनी थी इसकी, टोटल हाइट थी हमारी, पहले यहाँ से देखो ये 3 है, यहाँ से ले लेंगे दूरी 5, 5 ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से कितना लेंगे, ये कितना था हमारा 3, तो ये कम कर दो इससे, क्योंकि तभी तो टेपर होगा। तो इसके लिए हम कर देते हैं इसे 12 12 24 कर देते हैं, ठीक है, 12 12 24, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ठीक है। अब इसे इससे मिला देते हैं, और इसे इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब हल्का क्या करेंगे, इसमें 3D बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करें, हम इसके बीच में थोड़ा थ्रेडिंग अच्छे से लगे उसके लिए जिस तरह से बुक में दी है थ्रेडिंग उस तरह से बना देंगे। फ्री हैंडेड बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सही है हमारा 3D, ये हो गया, दिखने में टेपर शेप में लग रहा है, इसलिए टेपर 3D हो गया, ठीक है। टेपर थ्रेड्स, ठीक है, तो हमारे स्ट्रेट थ्रेड्स हो गए, टेपर थ्रेड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, अब इसमें अगर बस आपका इतना ही सही है वैसे, ठीक है, बनाना आपको इतना आना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहें तो ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके बारे में हमने बता दिया था जो पहला लेक्चर लिया था इस थ्रेड का, उसमें बता भी दिया था वैसे, ठीक है। एक बार हम इसका देख लेते हैं, जैसे आपको पता होगा जो थ्रेड होती है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल थ्रेडिंग और होती है एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग। इंटरनल थ्रेड में क्या होता है, जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वो अंदर की सतह पर बनी होती हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड में क्या होता है, जो चूड़ियाँ बनी होती हैं वो बाहर की सतह पर बनी होती हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कौन सी चूड़ी है वाली, ये अंदर की सतह बनी हुई ढिबरी जो है नट है, नट के अंदर से चूड़ियाँ बनी हुई है, तो ये कौन सी है, अंतः चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पे बोल्ट दिया है, और बोल्ट की कहाँ बनी है, बाहर की तरफ, ये कौन सी है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। तो जो हमेशा थ्रेडिंग होती है वो दो तरह की होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि थ्रेडिंग के टाइप्स के ड्राइंग बनाइए, तो इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग दोनों के आपको ड्राइंग आने चाहिए, मतलब बनाने फ्री हैंडेड ही होंगे, पूछता कम है, लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
पूछता कमी है, ये समझ लीजिए आपका अगर 10 बार क्वेश्चन आएगा तो 10 बार में से एक बार क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हो सकते हैं या फिर एक भी बार नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ लेना है। तो आंतरिक तो जैसे अगर बात करें इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ड्राइंग करने को कह देगा, वो भी फ्री हैंडेड। तो फ्री हैंडेड बनाने को क्या करते, बस आपको आपको पता होना चाहिए कैसे होती हैं, तो आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो इंटरनल थ्रेडिंग में बात करें, नट के अंदर जैसे थ्रेडिंग है इसे हम कहते हैं इंटरनल थ्रेडिंग, और जैसे बोल्ट के बाहर चूड़ियाँ हैं इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ठीक है। तो जो चूड़ियाँ होती हैं नॉर्मली दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल थ्रेडिंग कैसे होती है और एक्सटर्नल थ्रेडिंग कैसे होती हैं। लेकिन हम इसके बाद भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें और दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड भी होती हैं और राइट हैंड थ्रेड भी होती है। लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारे राइट हैंड थ्रेड वाले की बात करें और लेफ्ट हैंड थ्रेड में ये हमने बताया था, लेकिन एक बार उसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए आप थ्रेडिंग की, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होता है, जो चूड़ियाँ होती हैं, जैसे चूड़ी देख रहे हैं आप, ये चूड़ी जो थ्रेडिंग बनी हुई है वे किसी एंगल पर झुकी हुई हैं, देख रहे हैं आप किसी एंगल पर यहाँ पर झुकी हुई दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पर जिस एंगल पर झुकी हुई हैं उसी में अगर हम बात करें, अगर जो एंगल पर झुकी हुई हैं तो वो इस तरह से हैं। अगर मान लो लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होगा, जो चूड़ियाँ हैं हमारी ये वाली जो थ्रेड हैं वो लेफ्ट से कहाँ की तरफ आएंगी, राइट की तरफ आएंगी, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, उल्टी चूड़ियों को, इसे उल्टी लेफ्ट हैंड चूड़ी को क्या कहते हैं, उल्टी चूड़ियाँ भी कहते हैं, उल्टी चूड़ी। उल्टी चूड़ियों को बोल्ट पर चित्र में दिखाया गया है, बोल्ट पर, इस बोल्ट पर चूड़ियों पर चूड़ियों को दिखाया गया। उल्टी चूड़ियाँ वह होती हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ते समय नट में आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में जब चूड़ियाँ क्षैतिज से रेखा रखी गई हो और बाहरी चूड़ियों की दिशा दाईं तरफ की ओर ढल जाती हैं तो ऐसे चूड़ियों को, ठीक है, हम उल्टी चूड़ियाँ कहते हैं। नॉर्मली ये मत समझिए आप, ये डायरेक्ट समझ लीजिए, जो जैसे चूड़ियाँ किसी एंगल पर झुकी हुई हैं तो जो एंगल है आपका, अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, देखो ये वाली जो हम कह सकते हैं कोण किस तरह झुका हुआ है, इस तरह झुका हुआ है, इस तरह से झुकी, ये थ्रेडिंग इस तरह से झुकी हुई है, तो इस तरह झुकी है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन राइट में कह सकते हैं और ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट में। तो जब चूड़ियों का जो झुकाव होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, राइट से देखो राइट से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ। तो जब झुकाव राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड चूड़ी, जिस तरफ आती है उसी चूड़ी का नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से आप देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है, जो चूड़ियाँ आपकी दिख रही हैं ये किसका डायग्राम है, राइट हैंड चूड़ी का। इसमें देखिए चूड़ी किस एंगल पर है, इस तरह से, इसमें क्या हो रहा है, वो लेफ्ट से आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड कहते हैं इसे, ठीक है। लेफ्ट से आकर राइट की तरफ अगर जा रही है तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड थ्रेड्स, ठीक है। तो आपका राइट हैंड थ्रेड भी हो गया यहाँ पर। और देख लेते हैं आगे, इसके बाद है सिंगल स्टार थ्रेड और डबल स्टार थ्रेड। मतलब चूड़ियाँ जो होती हैं सिंगल स्टार थ्रेड भी डबल स्टार थ्रेड भी होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं एक बार हम बात करें, ठीक है। सिंगल स्टार थ्रेड और डबल स्टार थ्रेड, जितनी भी हमने चूड़ियाँ अभी तक बनाई हैं वो कौन सी चूड़ियाँ थी, सिंगल स्टार थ्रेडिंग थी, सिंगल स्टार थ्रेडिंग। तो ये क्या होती हैं देख लेते हैं एक बार, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंगल स्टार थ्रेड क्या होती हैं और डबल स्टार थ्रेड क्या होती हैं एक बार हम इसे देख लेंगे। जैसे कि बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंगल स्टार थ्रेड क्या होती हैं, एकल प्रारंभ चूड़ियों में अंतराल, पिच और बहन दूरी, मतलब जो लीड होता है यहाँ पे, लीड जो दूरी होती है, एक कह सकते हैं एक बार घुमाने पे कितनी दूरी तय करती है उसे हम कहते हैं एक लीड कहते हैं, दूरी बराबर होती है, मतलब अंतराल पिच और लीड बराबर होती हैं, या जब चूड़ियाँ बनाने की शुरुआत में केवल एक प्रारंभिक बिंदु रेखा जाती है तो चूड़ियों को एकल प्रारंभिक चूड़ियाँ कहा जाता है। एकल प्रारंभिक चूड़ियों में चित्र के अनुसार दिखाया गया है। इसमें अगर हम नॉर्मल बात करें तो आपको देखो पिच क्या होता है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी पिच होती है, और जब हम इन्हें घुमाएं तो घुमाने पे भी इतनी दूरी तय करें, एक रोटेशन में एक चक्कर में इतनी ही ये घूमे जितनी इसकी पिच है, तो वो क्या कहलाएंगी, एकल प्रारंभ चूड़ियाँ। लेकिन दोहरा प्रारंभ चूड़ियों में क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। एकल प्रारंभ चूड़ियों का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये तो हम बनाते ही हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोहरा प्रारंभ चूड़ियों का और देख लेते हैं, ये भी एक टाइप होता है। दोहरा प्रारंभ चूड़ियों क्या होता है, दोहरा प्रारंभ चूड़ियों में
बहन दूरी अंतराल की दोगुनी होती है, यानी एल स्क्वल टू टू पी। मतलब अगर हम बात करें जैसे चूड़ियों में जो पिच है वो कितनी है, पी, लेकिन जब इसे हम घुमाएंगे तो एक चक्कर घुमाने पे ये कितनी दूरी तय करेगा, दो पी। मतलब जब इसे हम घुमाएंगे तो एक पूरा चक्कर घूमने में ये डबल पिच दूरी चलता है, तो डबल पिच दूरी तय करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, इसलिए इसका नाम है डबल स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, और चूड़ियों का अगर हम बात करें, रुकिए यहाँ पे ये वाला देख लीजिए बस, इसके बाद और कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बाहरी चूड़ियाँ, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड्स, तो जब हम एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी हम डायग्राम बना रहे हैं, उसका हम बना रहे हैं दो व्यू बना रहे हैं, मान लो एक बना रहे हैं फ्रंट व्यू और एक बना रहे हैं साइड व्यू। तो जैसे फ्रंट व्यू अगर मान लो इसकी, इस फ्रंट व्यू में यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर इससे अगर मान लो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में चूड़ी ना बना के इसमें हम चूड़ियों का एक चेन बना देते हैं, जो चूड़ियों का चेन होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या कहलाता है, थ्रेडिंग सिंबल कहलाता है। ये यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये थ्रेडिंग का सिंबल है। अगर इसे हम साइड से देखें तो साइड से देखने पर इस सिंबल को हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर एक ये पूरा गोल है, लेकिन यहाँ पर क्या, अंदर वाला व्रत, अंदर वाला जो व्रत है वो आधा है, यहाँ से देखो यहाँ से कम है। तो यहाँ से कम क्यों है, यहाँ से कम इसलिए ये हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, अंदर वाली सतह पे चूड़ियाँ बनी हुई हैं, समझ रहे हैं आप। तो जब चूड़ियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल तो पूरा बना देते हैं और दूसरे सर्कल के बना देते हैं आधा। क्यों, क्योंकि थ्रेडिंग आपको पता है किस तरह से होती हैं, थ्रेडिंग जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, होती हैं। तो उसके कितने दो कितने सर्कल बनेंगे जब हम इस साइड से देखेंगे, एक सर्कल ये बनेगा और एक सर्कल ये बनेगा साइड से देखने पर, क्योंकि इसी तरह से नीचे भी होगा ये। तो एक सर्कल तो ये वाला बन जाता है, ये वाला, और एक सर्कल बनता है ये वाला। तो ये एक सर्कल हम पूरा बना देते हैं और एक सर्कल अंदर वाला इस तरह से बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके बाहरी सतह पे या इसकी सतह पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो इस तरह से हम ये चिन्ह क्या डिनोट कर रहा है, थ्रेडिंग का चिन्ह है, जैसे ये भी है। ठीक है, ये थ्रेडिंग का चिन्ह है। और ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है, इंटरनल थ्रेडिंग्स। इंटरनल थ्रेडिंग की बात करें, जब किसी भी वस्तु के अंदर सतह पे चूड़ियाँ होती हैं लेकिन हम चूड़ियाँ बनाते नहीं हैं, तो उसे हम डॉटेड फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो डॉटेड फॉर्म में दिखाना ही क्या कहलाता है, उसका इंटरनल थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, ये क्या चिन्ह है, ये चिन्ह है इंटरनल थ्रेडिंग का। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया फिर।